अभी तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल की हैं उनमें आपने पाया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ उसमें आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या वो यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड या नहीं है। समझे, यहाँ मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं दूंगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा। समझे, इसमें आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल, एक करंट कैरिंग वायर है इन्फिनाइट I1, इसमें करंट है, नीचे इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक I1 है। इसके सराउंडिंग में, इसके जस्ट साइड में a डिस्टेंस आगे एक दूसरा करंट है I2, जिसकी लेंथ है AB, AB बराबर L, एक करंट सेगमेंट है। तो इस AB वायर पर जिसमें करंट I2 है कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप ये देखो, क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर जो है इसमें करंट ऊपर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों ओर ऐसे लूप में होगा, यानी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा। कैसे आएगा? अंदर की ओर, इस रीजन में। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर एंटर करेंगी, पीछे जाके बाहर निकलेंगी, ऐसे इस वायर के चारों लूप बनाएगी। अब मैं जानता हूं कि इससे r डिस्टेंस पर, इस वायर से अगर मैं कहीं r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं पॉइंट P पर, तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πD। डी कितना आ जाएगा? r। r डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम जानते हैं इनफिनाइट वायर की वजह से। इनफिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में r डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई अपॉन ये I जो उसमें करंट है I1, 4πD साइन थीटा माइनस 92 प्लस 90 लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहां कट जाएगा, बचेगा 2, 4 है ना, तो 2 आएगा। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πR, ये फॉर्मूला होता है इनफिनाइट वायर की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वायर से दूर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट I1 2πR नीचे आ रहा है, यानी R बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसका मतलब ये है कि वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब ये है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। दूर जाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में आप यूनिफॉर्म नहीं बोलोगे। तो यहां वो फंडा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन से वाला? कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को मिला दो, अगर कोई भी रैंडम शेप दे रखी है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को मिला दो, और जो अब स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को मिलाने के बाद, उस स्ट्रेट लाइन पर क्या निकाल दो? फोर्स निकाल दो। ये फंडा यहां अप्लाई नहीं कर सकते आप, समझे। तो अब मैं कैसे कर सकता हूं? देखो, ये हर एक, इस वायर का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर है, यानी AB वायर पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस AB वायर पे, क्योंकि AB वायर का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πA, क्लियर। तो अब अगर मैं डायरेक्शन बताना चाहता हूं फोर्स की, फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ B, फोर्स किधर आएगा? इधर आएगा, इस डायरेक्शन में। ये मैंने प्रोफाइल बता दिया आपको। और अगर आप छोटा छोटा एलिमेंट लेते हैं इस AB लेंथ पर, छोटा छोटा एलिमेंट लेते हैं, तो हर एक एलिमेंट पर फोर्स सेम लगेगा। आप एलिमेंट चाहे कहीं लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां, कहीं भी लो इस लेंथ में, हर एक पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πA। dx लेंथ आपने छोटी छोटी ली है, तो अगर आप प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहते हैं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? BI dx। बी सेम है इस लेंथ पर, बी कॉन्स्टेंट हो गया, आई कॉन्स्टेंट है, डीएक्स कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग लेवल पर, यदि आप ए से अलग अलग पॉइंट पर छोटा छोटा एलिमेंट लेते हैं, तो उस छोटे छोटे एलिमेंट पर जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो इसलिए सेम लेंथ के वेक्टर मैंने दर्शा दिए, इसको कहते हैं प्रोफाइल ऑफ फोर्स। और यदि मुझे नेट फोर्स बताना है इस पूरे वायर पे, तो पूरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो डायरेक्ट मैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा सकता हूं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πA। ये तो आएगा B, इसमें करंट कितना है? I2, इसकी लेंथ कितनी है? L। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। इस AB वायर पर जो नेट फोर्स आएगा टोटल, वो आएगा
ए बी वायर पर नेट फोर्स वो आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई ए। अब यहां आते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया इस बार मैंने, सेम अरेंजमेंट है, इसमें करंट नीचे की ओर है और ये आई टू करंट अब की बार इन्फिनाइट करंट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो आप इस केस में ये बोलोगे कि यदि एलिमेंट वायर से दूर लोगे तो बेटा जो छोटे से एलिमेंट पर फोर्स आएगा वो फोर्स कम होता जाएगा। अगर आप ए के करीब डीएक्स एलिमेंट लेते हैं, डीएक्स यहां लेंथ लिया आपने, उस छोटी सी करंट पे फोर्स अगर निकालना चाहते हो तो कैसे आएगा, करंट की डायरेक्शन इधर और यहां बाहर निकलेगा, इस बार यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा इस रीजन में, और इस रीजन में अंदर की ओर होगा। तो इस छोटे छोटे रीजन पे अगर आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे, जैसे यहां लेता हूं मैं, तो कैसे आएगा, फील्ड बाहर की ओर, करंट इधर, तो फोर्स आएगा नीचे। यहां मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा तो यहां फोर्स आपको बड़ा दर्शाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, आगे चलने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और कौन से फंक्शन के अनुसार कम होगा, इस फंक्शन के अनुसार, बी एट पॉइंट पी म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई एक्स, एक्स यदि बढ़ाओगे तो कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा उसी प्रकार से नेट फोर्स का वेक्टर भी कम होता जाएगा। हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे जो वेक्टर आएगा फोर्स वेक्टर वो भी कम होता जाएगा। तो ये प्रोफाइल आएगी, ये नीचे की डायरेक्शन धीरे धीरे अपनी लेंथ को कम करती जाएगी। तो ये तो आएगी प्रोफाइल फोर्स की, और यदि आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं इस लेंथ पर, ए बी लेंथ पर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आपको यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक डीएक्स मोटाई का एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। ये एलिमेंट लिया मैंने, इसकी लेंथ मान लेता हूं कितनी है डीएक्स, अब इस पर मैं छोटा सा फोर्स लिखूंगा डीएफ एक्स लेंथ पर, कैसे आएगा, बी यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, बी आई इसमें करंट कितना है आई टू इंटू लेंथ डी एक्स, और अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, एक्स कहां से लेके ए से लेके बी तक, एक्स ए से लेके बी तक, क्योंकि करंट मुझे ए से लेके बी तक मिली है, तो स्मॉल ए से लेके स्मॉल बी तक क्या आ जाएगा, एफ नेट ए बी आ जाएगा, और इधर आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल एन एक्स, और इसमें आ जाएगा एल एन बी माइनस एल एन ए, यानी एल एन बी अपॉन ए, जब मैं लिमिट लगाऊंगा, वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एल एन एक्स, उसमें ए टू बी लिमिट लगाऊंगा तो एल एन बी माइनस एल एन ए आएगा, तो फाइनल आंसर ये आएगा, एफ नेट ए बी बराबर आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू बाय एल एन बी बाई ए, इसमें आंसर ये आएगा, ये आएगा नेट, ये फोर्स नेट फोर्स है नीचे की ओर, यानी ये जो छोटे छोटे फोर्स है ना जो कम होते जा रहे हैं इसी बी की ओर, इन सभी का एडिशन ये आएगा, ए बी लेंथ पर टोटल फोर्स ही आएगा जो मैंने यहां बताया आपको। अब इधर आते हैं, ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, ये करंट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, अब इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, तो इस लूप पर मुझे क्या बताना पड़ेगा, नेट फोर्स, इस लूप पर नेट फोर्स बताने के लिए इस पे अलग फोर्स निकालते हैं, इस पे अलग फोर्स निकालेंगे, इस पे अलग और इस पे अलग। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, इस वायर पे जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, वो जो भी फोर्स आएगा कांस्टेंट आएगा इस लेंथ पे, ऐसे हर एक छोटे छोटे डीएल एलिमेंट पे अगर मैं लेता हूं तो वो लेंथ एकदम सेम आएगी फोर्स की, क्यों, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो छोटे छोटे डीएक्स एलिमेंट पर अगर मैं फोर्स देखूंगा तो वो सेम आएगा, क्लियर। अब यहां अगर मैं देखता हूं
इस बीसी लेंथ पर, तो फोर्स इधर आएगा और वो फोर्स इस लेंथ से छोटा होगा। इस लेंथ से छोटा क्यों होगा? क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड छोटा आएगा। समझे? इस बीसी लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके रेस्पेक्ट में छोटा आएगा, क्योंकि बीसी लेंथ दूर है आई वन से, इसलिए बीसी लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी छोटी होगी, इसलिए ये फोर्स लेंथ में मैंने छोटा रखा है। अब मैं ए बी पर देखता हूं बाहर की, यानी नीचे की ओर। देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो फोर्स नीचे आएगा। ए पर फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा बी तक, इस प्रकार से। ये मैं प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूं, समझे ना। नेट मैग्नेटिक फोर्स ना निकालकर डायरेक्ट पहले प्रोफाइल सोच लेता हूं कैसी आएगी प्रोफाइल, छोटे छोटे पॉइंट एज्यूम करके दिमाग में, कि इस लेंथ पर अगर छोटा सा पॉइंट मैं ए के करीब लेता हूं फिर दूर करता जाता हूं, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हर एक एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कम होता जाएगा। और इसी प्रकार से यदि यहां देखोगे तो फोर्स ऊपर आएगा, और ये पॉइंट डी करीब है तो पॉइंट डी पर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा और वो धीरे धीरे ऐसे कम होगा। यानी अगर आप छोटा सा एलिमेंट यहां चूज करोगे तो फोर्स इस वेक्टर की लेंथ के करस्पॉन्डिंग आएगा, ऐसे लेंथ कम होने लगेगी मैग्नेटिक फोर्स की। अब यहां आप ये बोलोगे कि जो फोर्स नेट ए बी लेंथ पर आएगा, नेट फोर्स इन सभी का एडिशन जो आएगा वो ये निकाला मैंने, वही फोर्स डीसी लेंथ पर ऊपर की ओर आएगा, तो इन सभी को कैंसिल आउट कर देगा ये जो नेट फोर्स आएगा नीचे की ओर उसको कैंसिल आउट कर देगा ये नेट फोर्स ऊपर की ओर। अब ये फोर्स एफ वन बड़ा है और ये फोर्स एफ टू छोटा है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो एफ वन माइनस एफ टू आएगा, और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन भी पता है मेरे को। अब एफ वन क्या आएगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि यहां एडी लेंथ ए बी लेंथ इक्विवेलेंट है, अगर एडी लेंथ पर मुझे फोर्स निकालना है तो ये क्वेश्चन वही है जो यहां किया था मैंने, समझे ना। पैरेलल, ये एज पैरेलल है आई वन के, तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाय ए आई टू इंटू एल, ये आएगा एफ वन माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू इंटू एल अपॉन टू पाय बी, ये आएगा एफ टू एफ नेट। तो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगा लूप पर, स्क्वायर लूप पर, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाय वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, समझे। अब और अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने पाया होगा, देखो पहले मैंने आसान क्वेश्चन दिया, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, अगर मैं परपेंडिकुलर लेंथ बना देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा इधर। अब ये इन दोनों का एडिशन है, इसका और इसका ये कॉम्बिनेशन है, ये एग्जाम्पल, मतलब ये आपको आता है, ये आपको आता है, तो ये इसके बारे में सोचना ईजी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे भी अच्छा है, ये यूज होगा इसमें, ये पूरी कहानी जो मैंने यहां बताई वो इसमें यूज होगी, लेकिन थोड़ा और अच्छे तरीके से यूज होगी। देखो कैसे, मुझे पता है कि अब मैं अगर एलिमेंट लेता हूं इस ए बी वायर पर, यहां लेता हूं अलग अलग लेंथ पे, तो दूर जा रहे हैं पॉइंट, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो मुझे एलिमेंट लेकर ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं एलिमेंट चूज कर लेता हूं, क्या करता हूं मैं यहां से, ये तो मुझे दिया हुआ है ए, मैं एलिमेंट इस तरीके से लेता हूं, ए से एक्स डिस्टेंस पर ये एलिमेंट ले लेता हूं मैं, डीएक्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की ओर होगा, इस रीजन में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये जो एलिमेंट मैंने लिया है इसकी लोकेशन कितनी दूर है, ये एलिमेंट जो यहां मैंने चूज किया है, ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है और जिसमें करंट नीचे की ओर है,
इस एलिमेंट की पोजीशन वायर से कितनी दूर है, देखो कैसे निकालेंगे। ये तो हो जाएगी ए और ये एक्स है, ये एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा, ये लेंथ। तो इसका मतलब आपको अपने एलिमेंट की पोजीशन पता है कि एलिमेंट कितना दूर है इस I1 इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर से। तो यदि मैं इस एलिमेंट पर फोर्स निकालना चाहता हूं, मैग्नेटिक फोर्स, वो छोटा सा आएगा मैग्नेटिक फोर्स df एलिमेंट पर, वो आएगा BIL, सेम फॉर्मूला। तो यहां B कितना आएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई टोटल डिस्टेंस A प्लस एक्स साइन थीटा। ये आया मैग्नेटिक फील्ड बी आई, इसमें करंट कितना है I2, बी आई एल इसकी लेंथ कितनी है dx। और अब यहां जो dx लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल कितना है, सोच के बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर है, और dx लेंथ कैसे है? ऐसे, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो जो हम कंसीडर करते थे बी आई एल साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन 90 हो जाएगा बी आई एल। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम बी आई एल, जब आई और बी परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां परपेंडिकुलर है, आई इधर है, बी इधर है अंदर की ओर, ऐसे ना अंदर की ओर, तो ठीक है बी आई एल क्लियर, साइन 90 वन हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं इंटीग्रेशन, यहां क्या आएगा एफ नेट ऑन ए बी। डायरेक्शन भी कमेंट कर सकते हो आप, बी अंदर की ओर डायरेक्शन आएगा, इस ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगा, इधर इस डायरेक्शन, ये करीब है ये दूर है, समझे। तो इसका मतलब यहां छोटा फोर्स आएगा और यहां बड़ा फोर्स आएगा, अगर प्रोफाइल भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप, कुछ इस प्रकार से आएगी प्रोफाइल। अब अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां क्या आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई। अब ये ए प्लस बी एक्स वाली फॉर्म है, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ए एक्स प्लस बी, एल एन ए प्लस एक्स साइन थीटा, यही आएगा, और साइन थीटा क्या आ जाएगा अपॉन में, फिर इसमें क्या लगा देंगे लिमिट, लिमिट कहां से कहां लगेगी, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके ए बी एल दिया गया है मेरे को, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एल, क्लियर। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, इधर इसको हटा देता हूं, देखो एफ ए बी नेट जो आएगा म्यू वन म्यू आई वन आई टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाए साइन थीटा, थीटा क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, एल एन ए एल साइन थीटा माइनस एक्स के यहां जीरो रखूंगा तो ए अपॉन में आ जाएगा बाय ए, तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल ये आएगा। अब थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चन को, मैं क्योंकि आप इस क्वेश्चन को जान चुके हैं तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, एग्जाम्पल ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। दिमाग लगाना है आपको, इनफिनाइट इनफिनाइट ऊपर नीचे, समझे। अब क्या करते हैं, मैंने यहां आपको ट्रायंगल दिया, ये स्क्वायर था ये ट्रायंगल है, क्लियर, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड एज स्मॉल है, ये लेंथ ए और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें जो करंट की सेंस है वो ये है,
ये करंट की सेंस है, ये आई टू करंट है। आपको बताना है एफ नेट ए बी सी ट्रायंगल पर कितना आएगा, ये आपको बताना है। आप ये फील करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल वन और टू से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया, और अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल वन और इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसका रिजल्ट और एग्जाम्पल वन का रिजल्ट आप इसमें इनकॉर्पोरेट करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, समझे? तो ये आप करेंगे दिमाग लगा के।